हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यूट्यूब पे आप डायरेक्ट स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो तो आप स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हो डायरेक्ट यूट्यूब से बिना किसी ऐप के। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जैसे आपको स्लो मोशन वीडियो बनाना है दोस्तों यूट्यूब से, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। किसी भी गाने को सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारे ट्रिक बताऊंगा। और दोस्तों, मैं बता दूं, मैंने भी एक स्लो मोशन वीडियो बनाया, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि कैसे वो स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, स्लो मोशन अगर आप YouTube से डायरेक्ट बनाते हो तो बहुत ही परफेक्ट बनता है दोस्तों, आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ऐसे ही एक वीडियो बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में जानकारी दे और आपको इसके बारे में बताया जाए। तो दोस्तों, उससे पहले आपको करना है कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं अपने यहाँ पे फोन ले लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि YouTube पे आप डायरेक्ट स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हो। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों, देख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल ले लिया और साइड में मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना कि आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद दोस्तों, जैसे आप शॉर्ट्स वीडियो, दोस्तों यहाँ पे मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको करना कि जैसे आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो उसी तरह आपको करना है सेम। आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट ए शॉर्ट है, तो आपको क्रिएट ए शॉर्ट पे जाने का दोस्तों। यहाँ पे आपको करना है कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे म्यूजिक मिल जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे अब नए फीचर वाले टूल्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो मैं जैसे आपको कुछ टूल्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे तो ऐड सॉन्ग है, तो आप कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में आपको टूल्स मिल जाते हैं बहुत सारे। आप शॉर्ट्स वीडियो जब क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 1:2 लिखा हुआ है, तो आपको 1:2 पे क्लिक करना है। और क्लिक करने का दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको स्लो मोशन वीडियो बनेगा, और राइट साइड जाओगे तो आपको फास्ट बनेगा, यहाँ पे फास्ट स्लो मोशन वीडियो बनेगा। तो आपको कहना क्या, 0.5:2 पे आपको क्लिक कर देना, तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्लो मोशन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद आपको 0.3:2 है, तो आपको यहाँ पे कर दोगे तो ये वेरी स्लो मोशन वीडियो हो जाता है। और वैसे आपको 1 पे करना है, तो आप यहाँ पे 1:2 है, तो आपको करोगे तो ये नॉर्मल वीडियो हो जाएगा। प्लस आपको अगर बढ़ा रहे तो 1:2 हो जाएगा, वहां पे 2:2 हो जाएगा, तो ये फास्ट और यहाँ पे वेरी फास्ट हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह का बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे टाइमर है, आप टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे करना है टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस आपको दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे आपको इफेक्ट मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन है, अपने वीडियो के पीछे कोई भी ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हो। तो दोस्तों, अपने वीडियो के पीछे अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे। तो आप किसी भी ग्रीन स्क्रीन को लगा सकते हो, या अपने वॉलपेपर भी लगा सकते हो, खुद के फोटो वीडियो के पीछे अपना फोटो लगा सकते हो दोस्तों। यहाँ उसके बाद आ जाते हैं बैक आ जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे फिल्टर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको फिल्टर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का आप स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो। मैंने बता दिया दोस्तों कि आप YouTube पे डायरेक्ट स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारी जानकारी बता दी दोस्तों। और मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।